नगर पालिका में नामांतरण कराने पहुंचे एक युवक को नपा कर्मी पर मारपीट करने एवं नामांतरण नहीं करने के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। ये ड्रामा नगर पालिका में करीब एक घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। युवक के साथ आई महिला ने इस दौरान कर्मचारियों पर अभद्रता के आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया था कि इसके बाद कर्मचारियों को पुलिस बुलानी पड़ गई। इसके बाद तब जाकर मामला शांत हो पाया। जैन मंदिर के पास रहने वाले रवि कुशवाहा का आरोप है कि उसकी जमीन का नामांतरण करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी आनाकानी कर रहे हैं। उसकी जमीन होने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नामांतरण कर दिया गया है। इधर इस मामले में नपा के नुमाइंदों का कहना है कि यदि नामांतरण में गलती या खामी हुई है तो सुधार के लिए एसडीएम या तहसीलदार से शिकायत कर राजस्व न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, लेकिन इतनी सी बात युवक को समझ नहीं आ रही। मार रहा है, ओ सब अरे दो बार मार के भगाया जब मेरे बच्चों को बुलाया मैंने। कहां पे आपको सोना नहीं तो माता जी हमारे आप मत बोलो क्यों नहीं बोलेंगे तुम्हारे पूरे चेहरा बचारा तो छोड़ ही नहीं रहा भाई गलो मामा सब गया गला रहा गलो पकड़ पकड़ क्या काम करते हो? मंडी में दुकान लगाता हूँ सब्जी। क्या समस्या आई आपको? समस्या ये कि साहब पैसा ले गए थे ना, मेरा नामांतरण करा लिया। कितने कितने? ये का नाम है वो सोन अरविंद जैन ने, अरे अरविंद सोनी ने, अरविंद सोनी ने मनोज जैन से पैसे ले लिए साहब। कितने? कम से कम जो भी कचूली है अपने पता नहीं है साहब। मेरा दो दिन में नामांतरण कैसे हो जाएगा जब मेरे नाम पे पूरे कागज होंगे साहब? कतरा कतूनी नक्शा नाम पे आपका मकान चौधरी मोहल्ले में साहब। तो क्या इधर पे क्या आपके साथ में क्या हुआ? हो रही है साहब मेरे को नहीं देंद्र है, 7 साल से मैं बेघर हूँ साहब। अभी ऊपर क्या हुआ? ऊपर जी हुआ है मेरे को मारा पीटी कर रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पूरे अधिकारी है साहब मारा। अब मैं कौन का नाम बताऊँ? पूरे आ रहा है पूरे अधिकारी होंगे, पूरे अधिकारी मार रहा है साहब मेरे को बाहर फेंक देते हैं साहब, उठा के तुरंत मार रहा है पूरे अधिकारी। जे कौन सी बहन, जे कौन से का कर रहा है साहब? साथ में कौन है आपके? मेरी माता जी यही, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे हो। मेरा मकान, मैं कभी नहीं लाता साहब। मेरा मकान जिंदगी का रंजो में मां, मेरे गुजर के हर को मकान वो जन्नत का रवा ना मंत्र करता। और एक मिनट का काफी ले गई थी मैं ऊपर से, सुनवाई नहीं करा थी। एक बार आ गए जिनने मुंह फोन लगा, मैं घर से आई कागज लेके, फिर कागज बता सब कागज आएंगे हमारे पास, और दूसरे के पास साइन वाइन कर दिया उनने तो पैसा खा ले बात लेके, और हम भी सुनवाई नहीं कर रहे। तो क्या आपके मकान पे कब्जा किया जा रहा है? हाँ कब्जा कर रहा बनिया ने। क्या कौन है वो, क्या नाम है उनका? मनोज जैन। तो ऊपर क्या हुआ अभी आप लोग? ऊपर क्या हुआ जी, हमारी साथ आएंगे और जी हमारे घर वाले आएंगे, तो इन्हें मारत मारत अंदर से भाल ले आए, तो हम बच्चा बच्ची कर रहे ना, तो हमसे और झूमर लगे भी ऊपर धक्का दे लगे हमारे नाना। कितने लोग थे ऊपर? मुला सारे आगे भेजो। तो कौन है वो आप जानते हो? पूरे में बैठ रहे थे, पूरे जाने आगे नगर पालिका के। हाँ नगर पालिका के। ये अपने आप में मिसगाइड है सर। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वार्ड नंबर 7 से। हाँ, इसमें एक समस्या इसकी ये है कि इसके पिता से भी थे पूर्व में, उस समय में कोई मतलब इनका मकान है। अच्छा, उनने किसी को बेच दिया, किसी को। अच्छा अच्छा, रजिस्ट्री हो गई, वो चला के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया मतलब नामांतरण। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी जब पता लगा हुआ कि ये यहाँ पे आया मतलब ये गलत हुआ है नामांतरण, बस ये। तो अभी हमने उससे पता कहा मतलब कि अगर गलत हुआ है तो नामांतरण को कॉपी को निकलवाओ लिखवाओ, और ऐसा लगता है तो आप कलेक्टर साहब पे जा सकते हैं, एसडीएम साहब पे जा सकते हैं, अथवा कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे यहाँ से इसका कुछ होना नहीं है।
इन लोगों ने ऐसा क्या किया ऊपर जिससे विवाद के? जी कम से कम पूर्व में 25 बार आ चुका है, जब भी शराब पीता है जाता है आकर ये विवाद करता है। आज किसने आता पड़े चाकू लेके चाकू का पता नहीं कहाँ का, ये मतलब दो तीन लोगों का टच हो गया, मतलब आप ये देखिए। अच्छा तो इसकी आपने पुलिस में शिकायत की? मतलब शिकायत की थी 100 नंबर पर, किंतु पुलिस अब आ पाई और जब तक हमने अपनी कार्रवाई